यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स के बारे में, क्योंकि अभी जून क्वार्टर का रिजल्ट आ रहा है, तो वैसे में बहुत सारे जो कंपनियां हैं उसके रिजल्ट काफ़ी बेहतर आए हैं, तो बहुत सारी कंपनी के रिजल्ट काफ़ी खराब भी आए हैं। तो जो उनके खराब आए हैं तो उसके स्टॉक में गिरावट आपको देखने मिल सकता है, और जिनके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं और अगर यहां से मार्केट और ऊपर जाता है तो और ज़्यादा आपको तेजी देखने मिल सकता है। तो चलिए उन शेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है यस बैंक। यस बैंक का प्रॉफिट में ज़बरदस्त जंप देखने मिला है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं शेयर काफ़ी मतलब क्रैश हुआ, तो ये तो जो स्कैम हुआ था उसके बाद, और स्टॉक लगातार नीचे ही जा रहा था। तो अब यहाँ से देखते हैं क्या स्टॉक यहाँ से मोमेंटम पकड़ता है या नहीं। यहाँ देखिए यस बैंक क्वार्टर वन रिजल्ट जो है प्रॉफिट सर्ज 355% का प्रॉफिट में जंप हुआ है। और इतना जंप होने के बावजूद अगर शेयर में तेजी देखने नहीं मिलता है तो फिर इसके शेयर होल्डर के लिए इससे बड़ा पेशेंस और कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके मोमेंटम करने का मतलब तेजी आने का समय आ चुका है, क्योंकि प्रॉफिट में लगभग 350% का जंप है। तो निश्चित रूप से यहां पर आपको तेजी देखने मिलना चाहिए। और यहां पर जो सबसे पहला लेवल होगा, जो क्रिटिकल लेवल होगा, वो होगा आपको 21 रुपीज। अगर ये 21 रुपीज को क्रॉस कर जाता है तो निश्चित रूप से इसमें काफ़ी जबरदस्त तेजी रह सकती है। तो पहले तो यहाँ से ये मोमेंटम पकड़ना चाहिए। मोमेंटम पकड़ने के बाद ये सबसे पहले तो 16 रुपीज़ के ऊपर निकले, फिर 21 रुपीज़ के ऊपर इसमें जबरदस्त तेजी आपको देखने मिल सकता है। उसके बाद ICICI बैंक, इसके रिजल्ट में भी काफ़ी ज़बरदस्त जंप है। अभी करेंट प्राइस ये 676 रुपया है। अगर नीचे चलें देखिए, ये ICICI बैंक का जो नेट प्रॉफिट है 78% का जंप हुआ है, और टोटल जो इसका प्रॉफिट हुआ है वो 4,616 करोड़ का। तो 4,616 करोड़ का नेट प्रॉफिट है और 78% का प्रॉफिट में जंप है। तो यहाँ पर मार्केट का जो सारा एस्टिमेट था उसको बीट किया है। देखिए मार्केट का एस्टिमेट होता है, अलग अलग एक्सपर्ट जो है अपना व्यू रखते हैं कि रिजल्ट ऐसा आ सकता है, प्रॉफिट इतना फॉल हो सकता है, इतना प्रॉफिट जंप हो सकता है, सारे एस्टिमेट को बीट किया है। क्योंकि HDFC बैंक का जो रिजल्ट है उसमें प्रॉफिट में गिरावट देखने मिला था, प्रोविजन भी वहां बढ़ा था, इस कंपनी के प्रोविजन में भी गिरावट हुआ है। देखिए प्रोविजन में गिरावट, नेट NPA में गिरावट, खासा रेशियो में वृद्धि होना, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में वृद्धि होना बैंकिंग के सेक्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इन सब पैरामीटर्स को देखना होता है। तो इसके रिजल्ट का भी हम रिव्यू करेंगे जल्द। तो इसके प्रॉफिट में भी काफ़ी जंप है, जिसके कारण आपको इसमें आने वाले समय में और गजब का तेजी देखने मिल सकता है इस बैंक में। देखिए इससे रिलेटेड वीडियो मैं जब ये 300 रुपीज़ के आसपास था उसी समय से बना रहा हूँ, 400 रुपीज़ के पास कई बार बनाया। तो ये सारे स्टॉक है जिसको बाय कीजिए, अपने पोर्टफोलियो में हमेशा के लिए रखिए। कई सारे वीडियो हमने बनाया उसमें बताया है कि ये सारे स्टॉक है आप ICICI बैंक, HDFC बैंक, सबको 20 ईयर्स 30 ईयर्स के लिए आगे के लिए बाय करके रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। अब अगला है अतुल लिमिटेड। इसके भी प्रॉफिट में काफ़ी ज़बरदस्त जंप हुआ है और कई सारे इस पर जो एक्सपर्ट है अपना टारगेट भी दे रहे हैं, और इसमें जो टारगेट देखने मिल रहा है कि आगे ये 9,800 का कई सारे ब्रोकर ने इसमें टारगेट दे रखा है, तो हो सकता है ये अचीव करे, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट प्रॉफिट में काफ़ी जंप देखने मिला है और ये स्टॉक भी काफ़ी ज़बरदस्त है। ये तो पिछले साल से मैं काफ़ी बार रिकमेंड किया हूँ, जब ये स्टॉक यहाँ पर था 6,000 के आसपास, और वहाँ से देखिए 50% ये रन कर चुका है। तो अभी मार्केट में जो बुल रैली है इसमें इन्वेस्टेड है तो बने रहिए, अभी मार्केट ऑल टाइम हाइप है, तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए अभी इन्वेस्ट करना। मार्केट में गिरावट हो तो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर भी रहेगा। उसके बाद अगला है JSW स्टील। ये भी काफ़ी बेहतरीन शेयर है, करेंट प्राइस 717 रुपीज़ है। और अगर बात करें इसके भी लॉन्ग टर्म के चार्ट का, तो ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन रहा है। देखिए अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो इस स्टॉक में भी अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, लेकिन रिजल्ट जो रहा है इस स्टॉक का भी काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। देखिए अपने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड प्रॉफिट दिया है, ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड प्रॉफिट 5,900 करोड़ का। तो देख सकते हैं इतना ज़बरदस्त जंप देखने मिला इन सारे स्टॉक के क्वार्टर, जो जून क्वार्टर है उसके प्रॉफिट में, तो काफ़ी ज़बरदस्त जंप है। तो और साथ ही साथ अभी भी बुल रैली चल रहा है मार्केट में, और साथ इतना बेहतर रिजल्ट है, तो हो सकता है यहाँ से और ज़्यादा इसमें तेज़ी देखने मिले, क्योंकि जो
प्रॉफिट मार्केट के एस्टीमेट को, मार्केट के जो एक्सपर्ट है उसके एस्टीमेट को बीट किया, उसमें और ज्यादा तेजी आपको देखने मिल सकता है। ऐसे भी ये सारे स्टॉक काफी फंडामेंटल स्टॉक है और काफी बेहतरीन है। अगला है SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विस, ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक है, लेकिन इसके प्रॉफिट में जंप नहीं बल्कि गिरावट देखने मिला है। देखिए यहाँ पर नीचे आते हैं तो देखिए इसके प्रॉफिट में 22% प्रॉफिट श्रिंक हो चुका है, मतलब घट चुका है 22% से, और पिछले साल जून क्वार्टर में था 350 करोड़, तो इस बार 305 करोड़ हुआ है, तो 22% अप्रॉक्स प्रॉफिट जो है उसमें डिक्लाइन देखने मिला है। तो इस स्टॉक में आपको करेक्शन देखने मिल सकता है, साथ ही साथ अगर मार्केट भी गिरे, मतलब साथ साथ मार्केट अगर गिरता है तो और ज़्यादा इसमें करेक्शन आपको देखने मिल सकता है, या हो सकता है मार्केट का जो एस्टिमेट है उसे बीट किया हो तो तेजी भी देखने मिल सकता है। देखिए रिवर्स भी होता है, क्योंकि जो ऑपरेटर का खेल होता है, मतलब ऑपरेटर मतलब जो बड़े बड़े स्मार्ट मनी है वो अगर इस स्टॉक को ऊपर ले जाना चाहते हैं तो फिर इसमें आपको तेजी भी दिखला सकता है, लेकिन वो तेजी जो है टेम्पररी बेसिस होगा, क्योंकि जब तक कंपनी का प्रॉफिट में रेवेन्यू में जंप नहीं होता है तो वो तेजी आपको टेम्पररी बेसिस होगा। तो परमानेंट जो होता है जब कंपनी के फंडामेंटल उसको सपोर्ट करेगा, रेवेन्यू प्रॉफिट ये सारी चीजें, तभी आपको तेजी परमानेंट रूप से देखने मिलेगा। उसके बाद अंबुजा सीमेंट, ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक, इसके भी रिजल्ट काफी बेहतरीन आए हैं, और यहाँ पर देखिए प्रॉफिट जंप 96% का अंबुजा सीमेंट में जंप हुआ है। अभी आप जब बात करेंगे रियलिटी सेक्टर के स्टॉक को बाय करने का, कंस्ट्रक्शन का, तो कहेगा अभी कौन सा घर बन रहा है। देखिए दोस्तों अभी लॉकडाउन में जिनके पास भी पहले से अपना कैपिटल है वो अपना घर बना रहे हैं, कोई घर का रिपेयरिंग करा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 96% प्रॉफिट में जंप है, 1161 करोड़ का प्रॉफिट है, तो काफ़ी ज़बरदस्त है, और ये स्टॉक ऐसे भी ऑल टाइम हाई पे है, तो अभी थोड़ा बाय नहीं करना चाहिए, लेकिन ये स्टॉक देख सकते हैं चार्ट कितना सॉलिड है। तो ऐसे बेहतरीन स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखिए, कभी गिरावट मिलता है तो इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। और एक और बैंक है फेडरल बैंक, इसके भी प्रॉफिट डिक्लाइन हुए हैं, मतलब सारे बैंक के रिजल्ट डिक्लाइन हो रहे थे। ICICI बैंक सारे बैंक का जो एस्टिमेट था डिक्लाइन का उसको बीट करते हुए प्रॉफिट में जबरदस्त जंप दिखाया। तो ICICI बैंक ऐसे भी काफी अंडर एस्टिमेटेड स्टॉक था, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट में काफी जबरदस्त जंप देखने मिला, तो हो सकता है गजब का तेजी देखने मिल सकता है ICICI बैंक के स्टॉक में। और फेडरल बैंक देखिए 85 रुपीज का मात्र ये स्टॉक है, ये स्टॉक भी काफी जबरदस्त रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में। देखिए यहाँ से मात्र 1 रुपीज का स्टॉक था, और जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया 2001 से 2017 तक 10,000% का लगभग रिटर्न दिया है, तो काफी बेहतरीन स्टॉक है। इस स्टॉक में अगर आप गिरावट में चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस कंपनी का प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने मिला है, तो थोड़ा सा हो सकता है करेक्शन आपको दिखा सकता है। अब मार्केट किस तरह से लेता है इसके रिजल्ट को वो भी देखना पड़ेगा। अब देखिए अगला है साउथ इंडियन बैंक, इसका तो प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुआ है, मात्र 10 करोड़ का प्रॉफिट है, जबकि पिछले बार 25 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पर देखिए नेट प्रॉफिट जो 88% डिक्रीज हुआ, मात्र 10 करोड़ का प्रॉफिट है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने मिला है। तो इसीलिए इस पैनी स्टॉक को अवॉइड कीजिए, पैनी स्टॉक और ज़्यादा पैनी हो जाएंगे, क्योंकि इसके भी प्रॉफिट में काफ़ी गिरावट देखने मिला है। देखिए पहले ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया था अपने इन्वेस्टर को, और यहाँ से 2018 से इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुका है, और ये स्टॉक लगातार नीचे ही जा रहा है। उसके बाद अगला है इंडिया मार्ट इंटरमेस, 7,220 रुपीज करेंट प्राइस है, और अगर इसकी बात करें रिटर्न का, 2019 से अभी तक में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है, लगभग 517% का रिटर्न है। और बात करें इसके भी प्रॉफिट में जंप देखने मिला है, तो इसमें जो गिरावट था वो अब थम चुका है, अब यहाँ से ये फिर मोमेंटम दिखा सकता है। देखिए यहाँ पर नेट प्रॉफिट 19% से यहाँ जंप हुआ है, और 88 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो चुका है इस कंपनी का, तो ये कंपनी भी आपको आने वाले समय में मोमेंटम दिखा सकता है। अच्छा खासा इसमें गिरावट आया था, जहाँ पर आपको ऐड करना था अपने पोर्टफोलियो में, देखते हैं तो 6,800 के आसपास आया था, तो जिन्होंने भी मिस कर दिया था इसमें रैली तो वो अपना ऐड कर सकते हैं पोर्टफोलियो में। उसके बाद जो अगला स्टॉक है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक, FMCG का सेक्टर लीडर स्टॉक है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट जो है वो सेक्टर को लीड करते हैं, और इसके भी प्रॉफिट में जंप देखने मिला है। और देखिए मार्केट का अलग अलग एस्टिमेट होता है और अलग अलग व्यू होता है देखने का, जिन्हें पॉजिटिव दिखाना होता है तो ईयर ऑन ईयर बेसिस लेते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अगर डिक्लाइन हुआ तो निगेटिव दिखाने वाले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी कंपेयर कर लेते हैं। और ऐसे भी यह स्टॉक काफ़ी सॉलिड रहा है,
लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दिया अपने इन्वेस्टर को, आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला है बजाज ऑटो, इसके भी प्रॉफिट में काफी जंप देखने मिला है। देखिए ऑटो सेक्टर सारे लोग सोच रहे हैं कि लॉकडाउन है, पैंडेमिक है, तो प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने मिलेगा, उसके उल्टा बजाज ऑटो के प्रॉफिट में जंप देखने मिला, तो आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। देखिए बजाज ऑटो टारगेट 4250, क्यों? क्योंकि इसका क्वार्टर वन का जो अर्निंग है वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर प्रॉफिट में जब जंप देखने मिला है तो निश्चित रूप से स्टॉक में आपको तेजी देखने मिल सकता है, वो मार्केट के साथ ही तेजी आएगा। अगर मार्केट में सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है तो आपको इस स्टॉक में पॉजिटिव मतलब गेन देखने मिल सकता है, स्टॉक में तेजी देखने मिल सकता है। ऐसे भी ये स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हर डिप पे आपको बाय करना चाहिए। लॉन्ग टर्म देखिए अच्छा खासा रिटर्न दिया है 1330% का। तो ये सारे बेहतरीन स्टॉक है जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ये एवरग्रीन स्टॉक में से एक है, बजाज ऑटो हो गया, एचयूएल हो गया, आपको आईसीआईसी बैंक हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे ही एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।